हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय डियर फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो है लौकी और चना दाल। तो जब आपको बोरिंग सी लौकी खाने का मन ना करे तो उसमें लगाइए इस तरीके से तड़का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 कप चना दाल, इसे अच्छे से वॉश करेंगे और 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इस बीच लौकी को भी पील ऑफ कर लेंगे और साफ़ पानी से धोकर रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़े क्यूब्स में कट किया है, इसे छोटे क्यूब्स में कट बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये दाल में घुल जाएगी जिससे दाल का टेस्ट बिगड़ सकता है। अब जब कुकर गर्म हो जाए तो उसमें डालिए चना दाल। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोख हो चुका है। कट की हुई लौकी, 1 टमाटर जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1 हरी मिर्च रफली चॉप्ड, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और एंड में 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2-3 मिनट बाद इसमें डालेंगे करीब 1 से 1.5 ग्लास पानी, मिक्स करेंगे और कुकर का लिड बंद करके 2 विसल्स आने तक कुक करेंगे। अभी गैस का फ्लेम आपको हाई ही रखना है। चलिए अब 2 विसल्स लग चुके हैं, अब गैस का फ्लेम करेंगे लो और 2 विसल्स तक और कुक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं दाल कैसी बनी है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल, इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। अब कुछ खड़े गरम मसाले जैसे छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची, 2-3 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग, इन सब को भी तेल में ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप्ड हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तड़के का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया, इसको दीजिए एक क्विक स्टर और साथ ही ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड 2 प्याज। इसे मिक्स करते हैं और कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाते हैं। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड टमाटर। टमाटर के साथ ही इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। चलिए इसे एक बार चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है। इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े स्पून बॉयल्ड दाल के, जो हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया था। इससे तड़के का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और कुक करते हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें अपनी सारी बॉयल्ड दाल ऐड कर लेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके 5 से 7 मिनट तक और कुक करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके टेस्ट को डबल करने के लिए इसमें लगाएंगे दूसरा तड़का। इसके लिए एक फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, 2 सूखी लाल मिर्च। अगर इसे आप परचेज करना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और लास्ट में डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्ती। 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। और अब इसे डालेंगे हमारे दाल के ऊपर। 2 मिनट तक इसे कवर करेंगे जिससे तड़के का सारा टेस्ट दाल में इन्फ्यूज हो जाएगा। तो चलिए आपकी बहुत ही टेस्टी लौकी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म राइस के साथ।
ऐसे ही इजी होम स्टाइल ढाबा स्टाइल रेसिपीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और सिंपल इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।